मेरी शर्मीली, इलेक्शन का इंक तक उड़ जाता है तो लिपस्टिक का निशान कैसे रहेगा? बुद्धू समझा मुझे, फिर की ले रही हो? नॉट एट ऑल, ध्यान से ढूंढी। बहुत ढीठ हो, ऐसी बात है। चलो जल्दी जल्दी मुझे किस कर दो, बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, और अगर मैंने पप्पी ली तो मैं कहीं भी ले लूंगा। शर्मा रही हो? चलो मैं आंखें बंद करता हूँ। अरे किस कर लो ना जल्दी से। किस? मैं दू? तीन गिनने तक अगर मुझे पप्पी नहीं दी तो मैं तुमको काट लूंगा। टर्की फौजी वासनाधारी सांप कहीं का। वन, जो भी मांगे दे देना। टू, थ्री, तूने मुझे गिली पप्पी देने का, जो मांगे दे देना। अरे खुद में भेजा है कि नहीं तुझमें? वो आग में कूदने को बोलेगी तो कूद जाएगा क्या? आदमी है कि पजामा? एक मर्द किसी मर्द को पप्पी देता है क्या? अब 10 दिन तक नहाना पड़ेगा मुझे, अब क्या करूँगा? अब सुनिए, मरवा जी का फोन। हेलो श्रवण, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। क्या हुआ सर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट आई है, गुप्ता जी की जान को खतरा है, इसीलिए। वर्मा जी, ये मीटिंग नहीं हुई तो हमारे पार्टी वर्कर्स में बवाल मचाएगा, मीडिया वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। आप फिकर मत कीजिए, हमारा स्टेट एकदम सुरक्षित है, उनकी पूरी सुरक्षा होगी। ओके सर, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज कॉन्फ्रेंस कैंसिल मत कीजिए। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या तुम लेकर आई हो? तो दे दो ना। किसके लिए? सरप्राइज है, बस 10 मिनट वेट कर लो। सस्पेंस क्यों? 3 साल से एक ही रेजिमेंट में है, तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ मैं। प्रपोज करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? यहीं कह डालो ना। अपनी प्यार की हांडी में शाही मुर्ग मुसल्लम पका रही है। काश बचपन से मैंने भी डोले शोले बनाए होते। Now I call Colonel Subhash, 2013 batch, Kuti Regiment, to receive the gallantry award, Kirti Chakra. चाहिए? पहले पप्पी दो। कर्नल सुभाष, कर्नल सुभाष। क्या कर रहे हो? चाहिए ना? कर्नल सुभाष। कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? Please come on the stage. अरे छोटे जी, अपना गाल साफ करो, लिपस्टिक लगी हुई है। मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे हैं आप? सब ठीक। मॉर्निंग सर, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आपका दोस्त दीपक मेहता वो कल रात देश छोड़कर भाग गया। क्या बात कर रहे हो, कहाँ भाग गया? गवर्नमेंट टेंडर का नाम लेके बैंक से 4,000 करोड़ का लोन लिया और अमाउंट मिलते ही वो फरार हो गया है। Are you sure? क्या ये कंफर्म न्यूज़ है? जी सर, न्यूज़ कंफर्म्ड है। भैया, हाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। कमिश्नर साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मैटर को देखता हूँ, कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके सर।
एक काम करो, दीपक को कांटेक्ट करो। हेलो मैडम, इधर किधर आई? इधर मैडम। फंक्शन का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया किया है ना? हाँ, काफी अच्छा। हाय ढूंढ लिया, ढूंढ लिया मैंने। सर सीएम साहब आ गए हैं। अच्छा आ गए। छोटे तुम जरा यहाँ ख्याल रखो, मैं आता हूँ। चलो जल्दी करो, सीएम साहब आ गए। सर, दीपक सर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके सर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल पॉलिटिशियंस बदनाम हैं पावर से ढेरों पैसे बनाने के लिए। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो वो सत्ता में बने रहने के लिए बेईमानी से कमाए पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे, मेरे जीवन का यही संकल्प है। कल मैं जब राजनीतिक जीवन से संन्यास लूंगा तो मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, किसी छोटे से सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरा वारिस मेरा बेटा भी सच्चाई के पथ पर चलेगा। अब मैं आपके सहमति से उससे आग्रह करूंगा कि वो इस राज्य का कार्यभार संभाले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के सिखाए उसूलों और आदर्शों की वजह से हूँ। अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के लोगों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मीरा, नहीं सुनो, मीरा, मारूंगी, प्लीज। क्या कर मीरा, सुभाष बुला रहा है। मैसेज देखो। बेटा जी पापा, भाषण बहुत बढ़िया दे रहे हो। क्या हुआ? फोन कार में रह गया, लेके आती हूँ। ओके। जल्दी करो, सर का भाषण शुरू हो चुका है। हाँ। चलो ना, छा जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, जल्दी चलो। अरे मैडम, आप एक्चुअली फोन कार में रह गया, वही लेने जा रही हूं। नहीं नहीं, जानती हूँ आपको भैया की स्पीच सुनने की जल्दी है, मैं खुद ही ले लेती हूं। ठीक है मैडम जी, चलो चलते हैं। चैन से रोमांस भी नहीं करने देंगे। सबको सम्मान मिले, अपने अधिकार मिले, यही हमारा खेल है। मीरा कहाँ है? फोन लेने पार्किंग में गई है। पूरे समाज की उन्नति। कहाँ जा रहे हो? वो एक कॉल करने। सॉरी मैडम। ओके बटन, इडियट। ए इतना लेट क्यों हो गया बे? चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है ठीक है, फोन दे। इस फोन में कॉल कैसे आ गया बे? मर गए, रास्ते में एक लड़की से टकराया था, फोन एक्सचेंज हो गया। ये सब मजाक लग रहा है, स्टेज पे ब्लास्ट करने वाला नंबर उस फोन में है। फोन के बिना धमाका कैसे होगा? स्पीच खत्म होने से पहले फोन वापस ला। अरे ये देखो, वही लड़की। ए मेरा फोन दे, मेरा फोन। ए, ए। सब कैसे हो गया? हमें इसकी बॉडी स्टेज के पीछे मिली, फोन लेने पार्किंग लॉट में गई थी, पर भगदड़ में कुछ लिखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चोकिंग और दम घुटने से मौत हुई। सर
सर, हमने अपने पुलिस के दो यूनिट्स और मंगवा लिए, और तब तक ऐसा कीजिए आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यही रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4,000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष के करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत है। और तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर ही हूं, मीटिंग शुरू नहीं हुई। सुभाष, प्रेस मीटिंग का ऐलान करने के बाद भैया अपने कमरे में चले गए। सारे प्रेस वाले आ गए, हम लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर भैया जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है मुझे। सर, दरवाजा खोलिए। सर, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रहे। भैया, भैया, कैसी साजिश है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। के आसपास भीड़ बढ़ती ही जा रही है, पुलिस भीड़ को शांत करने में। इस घटना के बाद स्टेट में एमएस के पार्टी के सभी दफ्तर बंद हो रहे हैं। बड़ा बेटा बाप को कंधा देता है, पर आज ये बाप अपने बेटे को कंधा देगा। सुभाष, भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप बॉडी को जल्दी से ले जाइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आगे बहुत ज्यादा रिस्की है, आप पीछे वाले गेट से निकल जाइए। भरद्वाज, क्या बक रहा है? फिर से बोल के देख। आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ सर, सिचुएशन क्रिटिकल है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा बेटा चोर है, वो कोई टेररिस्ट है क्या? ये सड़क पे पड़ा रात है, बताओ क्यों जा रहे हैं पीछे से? समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आपको दोषी मान रहे हैं। हजारों लोग हैं सर बाहर, कईयों के हाथ में हथियार भी है, हम बेबस हैं। लोग आग बबूला हो रहे हैं। लावारिस की तरह ले जा रहे हैं, अभी तो उसका जीवन शुरू होने वाला था।